नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक टू एडिक्ट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एप्सन प्रोजेक्टर का सेटअप। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इसको एंड तक देखते रहिए पूरा सेटअप जानने के लिए। ये आपके सामने एप्सन का प्रोजेक्टर EH-TW650। मोर ऑर लेस ऑल प्रोजेक्टर का सेटअप सेम ही होता है, तो हम लोग देखेंगे कि इस प्रोजेक्टर का कैसे सेटअप होता है। दोस्तों, ये है पावर कॉर्ड। पहले इस पावर कॉर्ड को यहाँ पे प्लग इन करेंगे। ये प्लग इन हो गया और बता देते हैं आपको कि ये पूरा वायरलेस सेटअप है, मतलब कि कंप्यूटर से इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन में करूँगा वो पूरा वायरलेस होगा। तो इसको पावर ऑन करते हैं और इसको प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन पे। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम लोगों का स्क्रीन कैसा है, क्योंकि मैं ये कोई स्क्रीन में नहीं, दीवार में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और कोई सेटअप में नहीं। तो आपको दिखा देते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि दीवार में भी कैसे प्रोजेक्शन होगा इसको, तो इसका परफॉर्मेंस के बारे में भी आप जान सकेंगे कि इसका कैसा प्रोजेक्शन है। और मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों लाइट्स ऑन करके इसका कैसा प्रोजेक्शन आता है। ये है हमारा प्रोजेक्शन वॉल जहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। देख सकते हैं ये हल्का येलो कलर का है, पूरा वाइट नहीं है। देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रोजेक्शन आता है। पावर ऑन करते हैं पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। और ये है रिमोट, यहाँ पे ऑन है, ऑन बटन है। आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ख्याल रखना चाहिए दोस्तों कि आप ऑन रहते हुए प्रोजेक्टर को कभी भी ना हिलाएं, इससे प्रोजेक्टर का जो लैंप है उसका लाइफ घट सकता है, प्रोजेक्टर खराब भी हो सकता है। तो इससे पहले प्रोजेक्टर को हम लोग ऑन करें, ये जो लेंस कवर है इसको हटा देते हैं और हम लोग प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं। चलिए रिमोट से ही करते हैं। इसके लिए आपको प्रोजेक्टर की तरफ रिमोट का मुंह नहीं करना पड़ेगा, आप किसी भी तरह से कीजिए और इसको ऑन कीजिए। ये प्रोजेक्टर हुआ ऑन। अब हम लोग लाइट्स ऑफ करेंगे और देखेंगे स्क्रीन में इसका प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन कैसे आता है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन है जो आ रहा है। यहाँ पे जो लेंस के ऊपर ऑफ किया हुआ है उस करके इसको क्लियर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लियर उसके जस्ट पीछे वाला ये रिमोट में
अगर आप देख पाए तो देख सकते हैं एक होम बटन है डेडिकेटेड, यहाँ से आप किसी भी मेन्यू से आप होम में बैक आ सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू बटन है, यहाँ पे मेन्यू को प्रेस करते ही यहाँ पे अप एंड डाउन राइट और लेफ्ट जो है उसे दबा के आप ऐसे नीचे जा सकते हैं, एंटर करके आप नेक्स्ट मेनू पे आ सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है एस्केप की, इससे आप बैक नहीं जा सकते देख सकते हैं। तो मैं पहले आपको सेटिंग्स में वायरलेस सेटिंग्स में लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए वायरलेस मोड में मिलता है हाईलाइटेड येलो हाईलाइट खड़ा है, इसको ऑन करके मैं यहाँ पे वायरलेस लाइन ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। मैं रिटर्न पर जाऊँगा, वायरलेस को ऑन छोड़ देते हैं और फिर बैक कर सकते हैं। और यह है कीवर्ड को, इसके बारे में फ़ोन से भी आप स्कैन करके इसको कर सकते हैं। इसका सेटअप मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे प्रेस कीजिए और इसका वीडियो देख लीजिए। तो फिर से चलते हैं होम बटन में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो एक ही नाम दिखा रहा है, प्रोजेक्टर नेम, एसएस आईडी, आईपी एड्रेस और कीबोर्ड। ये अगर विजिबल नहीं हुआ, नहीं है, तो आप एंटर नहीं कर सकते। इसके लिए आप मेनू में जाइए, मेनू में जाके आप नेटवर्क में जाके वायरलेस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप यहाँ पे बेसिक में आप देख सकते हैं डिस्प्ले कीवर्ड, ये है डिस्प्ले कीवर्ड। ये अगर ऑफ रहा तो आप वो कीवर्ड नहीं देख सकते, इसको आप ऑन कीजिए और फिर आप वापस होम में जाइए। सेव करेंगे या नहीं, मैं मेरा ऑन ही था इसलिए मैं सेव को कर ही देता हूँ। और होम में जाएंगे तो करेंगे वो, ये होम में चले गए तो ये आ गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर से सेट करके कि वायरलेस भी कैसे पहले कंप्यूटर में और देखते हैं कैसे से। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे लैपटॉप में इसका सेटअप किया जाए। तो इसके लिए आपको आई प्रोजेक्ट इप्सन का एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा लैपटॉप में, तो पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यह है वेबसाइट epson.com support और ये WA00723, इस लिंक में आप जाइए, ये वेबसाइट है। और यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो आप देख सकते हैं कि ये आई प्रोजेक्शन ऐप जो है वो किस किस के लिए दिया हुआ है। ये एप्पल के लिए, गूगल प्ले के लिए यानी प्ले स्टोर यानी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, ये क्रोम वेब ब्राउज़र के लिए, ये मैक के लिए और ये विंडोज़ के लिए। तो हम लोग विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये विंडोज़ है। ये आ गया, सेव फाइल करते हैं। चलिए डाउनलोड भी हो गया। पहले ही माफ़ी चाहते हैं दोस्तों कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको पूरा देखिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो फ़ोन का वीडियो होगा, फ़ोन का कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे इसका, तो सेटअप दिखाएंगे फ़ोन का, तो उसमें शायद ये डिटेल ना आए क्योंकि कुछ डिटेल मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, कुछ डिटेल उस वीडियो में ना कवर करूँ, इसलिए आप इसको देखिए तो दूसरे वीडियो देखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ।
यहाँ पे आप दोस्तों दो तरह का ऑप्शन देख सकते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन और पार्टिसिपेंट एडिशन। यानी आप इस प्रोजेक्टर पे मल्टीपल लैपटॉप्स को या कंप्यूटर को एक साथ चला सकते हैं वायरलेस मोड में। तो अगर आप वो वाला चाहते हैं तो पार्टिसिपेंट एडिशन को इंस्टॉल कीजिए, और अगर आप पूरा फीचर्स चाहते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेंट एडिशन भी पाएंगे और फुल ये जो अकेला कंट्रोल कर सकते हैं वो वाला एडिशन भी पाएंगे, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड एडिशन को इस्तेमाल कीजिए। मेरा रिकमेंडेड रहेगा स्टैंडर्ड एडिशन को आप इंस्टॉल कीजिए। अब इंस्टॉल हो गया है, ये आप देख सकते हैं Epson आई प्रोजेक्शन वर्जन 2.22। अगर आपको यहाँ पे रिसेंटली यूज में नहीं मिले तो आप सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप अगर यहाँ पे नीचे आ जाइए तो Epson का एक फोल्डर आपको मिलेगा Epson प्रोजेक्टर, यहाँ पे आप Epson आई प्रोजेक्शन वर्जन 2.2 ये देख सकते हैं। तो इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको है, क्विक कनेक्शन मोड और एडवांस कनेक्शन मोड। ये एडवांस कनेक्शन मोड के बारे में दोस्तों आपको बाद में दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा, जिससे आप इस लैपटॉप को राउटर में कनेक्शन कर सकते हैं आपके घर में जिसमें राउटर होगा इंटरनेट का, और आप प्रोजेक्टर को भी आप राउटर में कनेक्ट करके एक साथ वीडियो यानी इंटरनेट के थ्रू आप लैपटॉप में इंटरनेट भी एक्सेस कर पाएंगे और उसको प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्टर में कर पाएंगे। तो वो दूसरा वाला वीडियो आप देखने के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में क्विक कनेक्शन मोड में, और ये ओके कर दिया। यहाँ पे कुछ फायरवॉल ब्लॉकेज यस कर देते हैं, वो टेंशन की बात नहीं है। ये नेटवर्क सेटअप कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्रोजेक्टर आ गया, और साथ में मैं आपको वो वाला स्क्रीन भी दिखाता हूँ जिससे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हलचल हो रही है। तो अब ये प्रोजेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जॉइन में क्लिक करूँगा, ये जॉइन यहाँ पे जो है कनेक्ट के लिए परमिशन चाहता है, तो कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब प्रोजेक्टर से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्टर कीवर्ड मांग रहा है। तो वहाँ पे जो कीवर्ड आपने देखे थे 1561 वह कुछ अभी देख रहे हैं आप, कुछ आ रहा है तो 1561 ये जो कीवर्ड है वो आ रहा है, तो मैं ओके कर दे रहा हूँ। ये आ गया प्रोजेक्टर में प्रोजेक्शन, देख सकते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो दोस्तों, बहुत बढ़िया आ रहा है ये वीडियो। ये मैं थोड़ा और आगे चल गया,
अभी साउंड जो आ रहा है वो आप शायद नहीं सुन पाएंगे, तो मैं आपको साउंड भी करके दिखाता हूँ। रिमोट से आप साउंड प्रोजेक्टर का बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे डेडिकेटेड वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, तो ये देखिए आप, ये प्रोजेक्टर का वॉल्यूम अप एंड डाउन। तो मैं ये आपको प्रोजेक्टर या मैं लैपटॉप को ब्लूटूथ में कनेक्ट करके लैपटॉप से भी साउंड को प्ले कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आप जो है आके वो स्पीकर जो इप्सन का सेटअप हो गया है वहाँ पे, ये मैं अगर यहाँ पे दे दूँ तो अब साउंड आएगा लैपटॉप से। अगर आप इसको कनेक्ट कर ले ब्लूटूथ में तो ब्लूटूथ स्पीकर से आपका साउंड आएगा। फिलहाल मैं आपको ये साउंड लैपटॉप का नहीं सुना सकता, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन ये जरूर होगा के नाम पर अगर आप करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे, लेकिन ये जरूर होगा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लैपटॉप को कनेक्ट कीजिए और प्ले कीजिए। अब मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ। ये जो लीव बटन है वहाँ पे मैं क्लिक करते ही ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। आप देखिए यस, ये प्रोजेक्टर डिसकनेक्ट हो गया और वापस होम स्क्रीन में आ गया। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप फ़ोन को वायरलेसली इस प्रोजेक्टर में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों का दूसरा वीडियो देखिए, और अगर आप वायरलेसली राउटर को अपने प्रोजेक्टर में और लैपटॉप में कनेक्ट करके देखना चाहते हैं तो दूसरा ये वाला वीडियो देखिए। बताइए हम लोगों को कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। आपका कोई सवाल हो और अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग ज़रूर खुश होंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करें। टिल देन गुड नाइट।